गुड मॉर्निंग। भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान के जीके क्लास में आपका स्वागत है। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल पर मैं आशा नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम संविधान से या राज्य व्यवस्था संबंधित भारत की राजनीतिक जो व्यवस्था है उससे संबंधित कुछ जो प्रश्न हैं उनका यहाँ पर चर्चा करेंगे उनकी। इससे पहले हमने एक वीडियो में कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। मैंने जो पिछला वीडियो था उसका लास्ट टॉपिक छोड़ा था कि संसद के जो दोनों सदन हैं अगर किसी विधेयक पर, सामान्य विधेयक पर, दोनों में अगर मतभेद हो जाता है या कि निर्णय नहीं कर पाते हैं तो उसकी राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है लेकिन ज़्यादातर बच्चे राष्ट्रपति ही इसका आंसर लिख के आ जाते हैं जबकि इसका आंसर लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है। संविधान के अंतर्गत हमने आपातकालीन उपबंध लिए। आपातकालीन उपबंध का मतलब होता है कि जब भी भारत के ऊपर किसी भारी आक्रमण, जैसे अभी चीन के आक्रमण की संभावना थी, अगर इस तरह की कोई संभावना होती जिससे कि देश को सुरक्षा का खतरा होता है तो राष्ट्रपति ऐसे में आपातकाल की घोषणा करता है। तो ये व्यवस्था हमने जर्मनी के वीमर संविधान से ली है। अब राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? राज्य है अपना जो राजस्थान है, इसका होता है मुख्य सचिव। और इस मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ का मुख्यमंत्री, CM। अभी कोरोना काल में ज़्यादातर जगह धारा 144 लागू करी थी, ठीक है, जिससे कि दो से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो ये अभी जो हुआ था वो तो बीमारी की वजह से हुआ था कि कोई व्यक्ति दूसरे के संपर्क में कम से कम आए जिससे कि बीमारी ज़्यादा नहीं फैले, ठीक है। तो जो ये ज़िले के अंदर किसी ज़िले में अगर इस धारा को लागू किया जाता है 144 को, तो उसका अधिकार किसको है? जिलाधीश को। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जिलाधीश को उसका अधिकार है, जिला प्रमुख को नहीं, ठीक है। जिलाधीश मतलब कलेक्टर को लागू करने का अधिकार है। राज्यपाल होता है जो विधान परिषद के कुछ सदस्यों को नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/6 सदस्यों को, ठीक है। राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य हैं? वो है 200। जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। एग्जाम में आता है राज्यपाल को शपथ कौन? देखो, एक जो चीज़ है वो ध्यान रखने योग्य क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उसको शपथ वहाँ के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। अब वो ये पूछते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? अपन सोचते हैं 5 साल है, 5 साल बाद हो जाएगा, ठीक है, वो सब ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के अनुसार, मतलब राज्यपाल का कार्यकाल संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो राज्यपाल का पद पर रह सकता है। अब कोई व्यक्ति राज्यपाल बनता है तो उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहला तो हमें सभी पता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी होनी चाहिए। महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाअधिवक्ता जो होता है किसी राज्य का सर्वोच्च कानून का जो अधिकारी होता है वो होता है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी होता है जैसे, वैसे महाधिवक्ता होता है। राज्यपाल का जो ट्रांसफ़र है कौन करता है? यानी एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, ट्रांसफ़र करने का अधिकार है, वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। और राज्यपाल को बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर रहता है, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। राष्ट्रपति की इच्छा होती तब उसको किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर देता है। 2-3 राज्यों में एक राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, उसको हर पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। देखो दोनों उल्टे हैं। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है, ठीक है, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको राज्यपाल शपथ दिलाता है, ठीक है।
राज्य द्वारा जो पोषित विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? राज्य द्वारा पोषित का मतलब जैसे हमारे MDS है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जोधपुर का जो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, इनका जो VC होता है कुलपति, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 200 का संबंध किससे? अनुच्छेद 200 का संबंध किसी विधेयक पर राज्यपाल द्वारा सहमति से है, कि किसी विधेयक पर राज्यपाल सहमति देगा या नहीं देगा उससे संबंधित है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी जो मंत्रिमंडल जो मंत्रिपरिषद होती है, जैसे कि कोई प्रधानमंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनता है, बनने के बाद अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, तो उसकी सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है? यानी लोकसभा के जितने मेंबर हैं उसका 15% तक जितने व्यक्ति आते हैं उनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है। तो वर्तमान में जो 545 हैं लोकसभा में, उनका 15% निकाल के हम इसकी संख्या निकाल सकते हैं। यदि कोई मंत्री किसी सदन का सदस्य न हो तो उसे किसी एक सदन की सदस्यता कितने समय में अर्जित करनी होती है, यानी कि किसी व्यक्ति को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ संविधान के अनुसार शर्त क्या है कि उसे 6 महीने के अंदर चुनाव के द्वारा किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। बिना चुनाव के वो 6 महीने तक रह सकता है, उसके बाद वो नहीं रह सकता। संसद की मान्य भाषा कौन सी है, संसद में किन किन भाषाएँ है जो वहाँ के सरकारी कामकाज में होते हैं, वो हिंदी और अंग्रेजी। देखो, लेकिन संसद के अंतर्गत अपने विचार व्यक्त करने के लिए सबको अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान है, अपनी अपनी मातृभाषा में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। राज्यसभा में ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनको जो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको उसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त है राज्यसभा में? तो दिल्ली और पुडुचेरी, जिसको हम पांडिचेरी बोलते हैं, पुडुचेरी है, उसके ही जो प्रतिनिधि हैं उनको राज्यसभा में, वहाँ पर वो राज्यसभा मेंबर के रूप में चुने जा सकते हैं। आम जो बजट होता है कब पेश किया जाता है? अभी जो थोड़े दिन में आने वाला है बजट का, तो वो फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जाता है संसद में और राज्यों में विधानसभाओं में। ऐसी कौन सी समिति, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसी कौन सी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं? क्योंकि कई ऐसी समिति हैं जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं, लेकिन प्राकलन समिति है उसमें केवल लोकसभा के ही मेंबर होते हैं। विनियोजन विधेयक किससे संबंधित होता है? ये है जो संचित निधि होती है उससे धन निकालने के लिए, यानी खजाने में पैसे तो हैं लेकिन हमें पैसे निकालने की जो प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, उस विधेयक का नाम होता है विनियोजन विधेयक। भारत की जो संचित निधि है उससे अगर कोई पैसा निकालना है तो इसके लिए किसकी अनुमति लेनी होती है? तो वो है संसद की अनुमति। संसद की अनुमति के बिना, यानी लाइन आती है ना हमेशा, बिना विधि के प्राधिकार के कोई भी एक भी पैसा न निकाल सकता है, न हमसे कोई ले सकता है। यानी हमसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वो विधि के अनुसार ही लेती है, और संसद जो पैसा निकाल, मतलब संसद निधि में जो पैसा निकाल जा सकता है वो संसद की अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता, ठीक है? लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? लोक लेखा समिति का है कैग की रिपोर्ट की जाँच करना। कैग मतलब CAG होता है ना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट बना के देता है उसकी जांच लोक लेखा समिति करती है। लोक उद्यम से संबंधित समिति में लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं? तो वो होते हैं 15, ठीक है? द्विसदनात्मक विधानमंडल कितने राज्यों में है? द्विसदनात्मक विधानमंडल 7 राज्यों में है, यानी कि वहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अभिलेख न्यायालय क्या है। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि
जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने जो कोई एक बार डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन वहाँ की लाइब्रेरी में रखे जाते हैं या वहाँ के रिकॉर्ड में रखे जाते हैं, वो सभी जगह साक्ष्य के रूप में, गवाह के रूप में प्रस्तुत होते हैं, और वो प्रस्तुत मतलब उनको गवाह माना जाता है कि पहले इस तरह का विवाद हुआ था, उसमें इस तरह का निर्णय लिया गया था, बाद में अगर सेम इसी तरह कोई विवाद आता है तो उसमें वो डिसीजन मान्य होगा या उसको गवाह के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और दूसरा इसका मतलब है कि अगर न्यायालय कोई अवमान करता है तो अवमान के लिए उसको वो सजा भी दे सकता है। अब आते हैं हम कुछ लोकसभा के प्रश्नों पर, मतलब इसमें सब कुछ मिले जुले क्वेश्चन है, संसद के या राज्य व्यवस्था संबंधित इधर उधर के सारे क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं। टॉपिक वाइज नहीं, टॉपिक वाइज मैं बाद में पढ़ाऊँगी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, जिसको बोलते हैं जीवी मावलंकर। जीवी का जो पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। अब तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? देखो ये जो नोट्स बने तब तक तो 100 हो चुके थे, लेकिन अभी 104 के आसपास हो चुके हैं, और भी करंट हैं तो वो हम करंट की बुक्स में से कंसल्ट कर सकते हैं। संविधान संशोधन हेतु कितने विधेयक रखे जा चुके हैं? देखो ऐसी जो हैं ये सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं, क्योंकि विधेयक दुनिया भर के प्रस्तुत किए जाते हैं, जब वो फाइनल होते हैं तब वो कानून बनते हैं, तो फाइनल सारे होते ही नहीं। अभी जो किसान जो आंदोलन चल रहा है अभी किस जो कृषि कानूनों के तहत है ना, तो इनको चेंज करने के लिए फिर विधेयक रखे जाते हैं या फिर इनके लिए पहले शुरू में लाने के लिए विधेयक रखे जाते हैं। विधेयक की संख्या बहुत सारी होती है। विधेयक क्या होता है? हमें कोई कानून बनाना है, उस कानून का हम पूरा लेखा जोखा बनाने की प्रोसेस क्या है, क्या क्या बातें होंगी, क्या नहीं होंगी, जिसके लाभ हानि कैसे सब, वो एक हम पेपर में तैयार करते हैं और उसको संसद में सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तो प्रस्तुत करने से पहले की जो प्रोसेस तक वो रहता है वो विधेयक कहलाता है। प्रस्तुत होने के बाद में जब वो राज्यसभा लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसको राष्ट्रपति के पास जाने से पहले वो उसको पारित समझा जाता है, राष्ट्रपति उसको अंतिम में साइन करके उसको फाइनल कर देता है और कानून के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक कौन थे? यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब कि सारी सत्ता केंद्र के पास नहीं होनी चाहिए, वो राज्य राज्यों में भी जो प्रांतीय जो है ना स्थानीय स्तर पर भी सत्ता का विभाजन होना चाहिए। तो सबसे पहले जो पंचायती राज्य जो हैं, जिसके अंदर अभी जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं, जिला प्रमुख के चुनाव होते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, ये सब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत ही होते हैं। तो इसका सबसे पहला जो जनक है, सबसे पहले इसकी बात कही थी, वो कही थी बलवंत राय मेहता ने, ठीक है। पंचायत समिति, देखो अभी ये जो थोड़े दिन पहले चुनाव हुए हैं इसलिए हमें थोड़े से करंट के से क्वेश्चन लग रहे हैं एक तरह से, मतलब अभी चुनाव हुए हैं तो इसलिए जो ग्राम पंचायत होते हैं उनकी गणपूर्ति कितनी होती है? ग्राम पंचायत की गणपूर्ति, ग्राम पंचायत हम जानते हैं क्या होती है, गणपूर्ति और कोरम का मतलब होता है कि जब भी इसकी बैठक होती है तो कम से कम कितने मेंबर होने जरूरी हैं तभी वो बैठक होकर, अन्यथा नहीं होती, उसको बोलते हैं कोरम पूर्ति या गणपूर्ति, वो है 1/3, यानी कुल सदस्यों का 1/3 तो उसमें उपस्थित होने ही चाहिए। जो पंचायत समिति होती है उसका प्रशासनिक प्रमुख क्या कहलाता है? खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं ना, BDO जिसको बोलते हैं, वो होता है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य दिए गए हैं? तो वो है 23 कार्य। राजस्थान विकास किस विभाग की पत्रिका है? राजस्थान विकास किस विभाग की पत्रिका है? वो है ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की पत्रिका है, पंचायती राज विभाग राजस्थान की। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो वो 4 बार है। ऐसे क्वेश्चन के पूछते नहीं लेकिन हमें याद होने चाहिए। पंजाब में जब आतंकवादियों के विरुद्ध 1984 में एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार। और श्रीलंका में जो लिट्टे के आतंकवादी हैं उनके विरुद्ध भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम है ऑपरेशन पवन, ठीक है। अब आता है विदेश नीति का एक क्वेश्चन कि गुजराल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जो गुजराल सिद्धांत है, गुजराल प्रधानमंत्री थे, उन्होंने विदेश नीतियों के संबंध में सिद्धांत बनाया था, तो वो विदेश नीति से संबंधित है। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा कानून कब लागू हुआ? वो था 26 अक्टूबर 2006 को। जो किसी में कोई डेट या कोई सन अगर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो वो एक बार कंसल्ट कर लेना, देख लेना। संसद की पहली बैठक कब हुई थी?
संसद जब पहली बार बनी थी 1951-52 में, तब उसकी पहली बैठक हुई थी। उसकी सन तो हमें याद रहता है कि 52 है, लेकिन एग्जाम में डेट पूछी जाती है कि डेट क्या है। वो डेट है 13 मई। जो 74वां और 73वां संविधान संशोधन हुए थे, जिनके द्वारा पंचायती राज, जो पंचायती राज जो नगर पालिकाएँ हैं यानी शहरी और ग्रामीण स्तर की जो व्यवस्थाएं हैं उनको संवैधानिक मान्यता दी गई थी, वो 73वें और 74वें संविधान के द्वारा दी गई थी। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे पीवी नरसिंह राव। अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था? वो किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को जो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है वो उसका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 61। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या है कि महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग की जाती है, वो भी अनुच्छेद 61 के तहत। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3। भाग 3 किससे संबंधित है? हमें पता ही है, भारत के जो नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों से। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कौन सा अनुच्छेद है? मैंने अभी पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो मूल अधिकारों के अनुच्छेद प्रारंभ होते हैं उसमें अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा दी गई है। उस विधि के विरुद्ध अगर कुछ भी होता है तो वो न्यायालय उसकी जांच करता है, और अगर संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो वो उसको अवैध घोषित कर सकता है। न्यायालय की जो शक्ति है इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। और जो जब न्यायालय हम पढ़ते हैं तब ये अधिकार आता है, जब इस शक्ति का प्रयोग होता है वहाँ पे हम इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन इसका आधार कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 13 में। क्यों? क्योंकि जो नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, तो मूल अधिकार संविधान का भाग है, उसके विरुद्ध अगर कोई विधि बनाई जाती है तो उसको न्यायालय है वो अवैध घोषित कर सकता है, रद्द कर सकता है। तो इसलिए ये अनुच्छेद 13 में इसका वर्णन है। सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक कौन सा भाग है? इसके बाद वाला है, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंतर्गत जितने भी प्रावधान हैं उनके द्वारा राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने का प्रयास करता है, ऐसा उससे उसमें निर्देश दिए जाते हैं। मूल्य कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य हैं, एग्जाम में पूछते हैं कि 4 ऑप्शन दे देते हैं, इसमें से कौन सा संविधान का भाग नहीं था और हम है और था में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जो मूल कर्तव्य है, जब हमारा संविधान बन रहा था उस संविधान में ये नहीं था, इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये पहले ही बताया मैंने कि राष्ट्रपति होता है इसको। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। संविधान का सर्वाधिक विवादास्पद अनुच्छेद कौन सा है? जिसपे सबसे ज़्यादा विवाद हुए हैं वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 356। ठीक है, यानी कि इसके द्वारा राज्यपाल अपने राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति से कहता है, तो ये सबसे ज़्यादा विवाद का कारण रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? किस अधिकार को कहा है? जो संवैधानिक विचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 वाला, उसको कहा है कि ये जो अधिकार है संविधान की आत्मा है, अगर इस अधिकार को इससे निकाल दिया जाए तो ये संविधान मृत प्राय हो जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। हम केवल पूछते हैं उपराष्ट्रपति कौन होता है, उपराष्ट्रपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति एक पद है, उस पर व्यक्ति जीत कर जाता है, लेकिन वो उपराष्ट्रपति होता है, वो अपने उपराष्ट्रपति पद के कार्य भी करता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब है कि राज्यसभा में जो सभापति का पद है उस पर बैठता है, उसका ये मेंबर नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसमें आंसर है 14। ठीक है, अब हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नहीं हमने तो 12 ही पढ़ा है। अरे 12 पढ़ा है वो भी ठीक है, लेकिन वो लोकसभा का है और 2 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, टोटल कितने हो गए? 14 सदस्य। तो संसद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 14 सदस्यों को। भारत की विदेश नीति का आधार, यानी
विदेशों के साथ हम अच्छे संबंध रखेंगे, भारत की भावना रखेंगे, युद्ध को हम नहीं अपने आगे से युद्ध का प्रयास नहीं करेंगे, जो भी झगड़े होंगे, मनमुटाव होंगे, उनको शांतिपूर्वक से अस्तित्व की भावना समझाएं जो हम सुलटाएंगे, ऐसा हमारे संविधान में अनुच्छेद 51 में कहा गया है। तो विदेश नीति का आधार क्या हुआ? अनुच्छेद 51। पहला ऐसा जो अंगल भारतीय संसद में निर्वाचित हुआ था वो है डरेक और ब्राउन, यानी अंगल भारतीय संसद में निर्वाचित हुए थे। ज़्यादातर अंगल भारतीय हमेशा मनोनीत होकर ही आते हैं, ठीक है, लेकिन ये निर्वाचित होकर आए थे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? देखो इसको भी कई बार पूछते हैं। 12 अक्टूबर 2005 को। लोकपाल है जो हमने यहाँ पे बहुत बार पहले अखबारों में आती थी इसकी चर्चा, लोकपाल की जो अवधारणा है हमने किस देश से ली है? तो ये स्वीडन से, क्योंकि जब हम संविधान पढ़ते हैं कि हमने ये यहाँ से अपनाया तो ऐसी चीज़ें उसमें नहीं लिखी हुई हैं, वहाँ पर वो छूट जाती हैं। जब भी हम पूरी व्यवस्था को पढ़ते हैं तब उनके हम तार ढूंढते हैं कहाँ कहाँ से हमने इनको लिया है, ठीक है। और न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली? अमेरिका से। न्याय पुनरावलोकन हो, न्यायिक समीक्षा हो, न्यायपालिका संबंधित जितने प्रावधान हैं वो करीब करीब हमने अमेरिका से ही लिए हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने दिवालिया बैंक की चेक की संज्ञा दी थी? ये तो हमेशा मतलब बहुत फेमस एक कोटेशन है कि गांधी ने कहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव है वो एक ऐसा दिवालिया बैंक है जिसकी डेटी निकल, दिवालिया बैंक का चेक है जिसका भुगतान नहीं किया जा सकता। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में, ठीक है। राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? मैंने पहले ही बता चुका था कि 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था? 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में, और इसके द्वारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। देखो तीन शब्द नहीं थे कि हम सोते केवल कि ये क्वेश्चन डीपली क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अब इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं कि हमने पढ़ा समाजवादी था और पंथनिरपेक्ष था और अखंडता शब्द था, ये नहीं, उसमें अखंडता के साथ में और जो शब्द है और अखंडता वो भी हमें लिखना पड़ेगा। संविधान में एक एक शब्द, एक एक बिंदी, एक एक कौमा, हलंत सब का महत्व होता है। इसलिए जो मौलिक अधिकार है हमने किस देश से लिए हैं? अमेरिका से। भारत में अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसको है? केंद्र के पास। जब हम संघात्मक शासन व्यवस्था पढ़ेंगे उसमें राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, इसके बाद जो विषय बचते हैं वो अवशिष्ट विषय कहलाते हैं और उन पर कानून निर्माण की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम, जो मैंने अभी एक वीडियो डाला है BA सेकेंड ईयर का, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें इसके बारे में बताया है। प्रांतों में धोरा शासन की व्यवस्था जिसको बोलते हैं द्वैध शासन की व्यवस्था किसके द्वारा समाप्त की गई थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। और किसके द्वारा इसको लागू किया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 5वीं और 6वीं। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता ने, कि इसमें 2 स्तर होने चाहिए, ठीक है। सरकारी आयोग का संबंध किससे था, किससे है? केंद्र राज संबंधों में, केंद्र राज संबंधों के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या नहीं, इनको कैसे सुलटाया जाए, इनके विवादों कैसे रखे, संबंध में एक आयोग बिठाया गया था, वह सरकारी आयोग, और ये अपनी रिपोर्ट देता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है। और दूसरे केंद्र राज संबंध आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KM पुंछी, इसको बोलते हैं पुंछी आयोग, ठीक है। पुंछी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के संबंधों से। 1971 में भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? VV गिरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर आप लोगों के चलने में प्रॉब्लम आता है और मेरे भी अपलोड करने में प्रॉब्लम आता है। थैंक यू।